सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम। 95 लाख यहूदियों से 100 करोड़ सनातनियों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। जब विपत्ति देश पर या धर्म पर आए तो यहूदियों से सीखो कि चारों तरफ से वो 95 लाख से बस, इसके बावजूद भी वो इकट्ठे हैं, एकजुट हैं और अपने देश और धर्म को बचाने के लिए जम के लड़ रहे हैं। परंतु हम 100 करोड़ हिंदू हैं कहने के लिए, पर 100 करोड़ हिंदुओं में से 1 करोड़ हिंदू भी हम लोग एकजुट नहीं है। अभी देखिए, मैं तो अभी देश से बाहर हूं, लेकिन मुझे अभी पता चला कि सहारनपुर में, मुंबई में इकट्ठा होने के बाद कुछ तत्व, कुछ लोग मुंबई में इकट्ठा होने के बाद सहारनपुर में भी इकट्ठे हुए। मैंने सुना हरिद्वार में भी इकट्ठे हुए, सुना है। रियलिटी में अभी सहारनपुर की तो भीड़ मैंने देखी है, वो तो वीडियो मुझे दिखाया गया है, तो बहुत बड़ी भीड़ है और वो छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें। भीड़ तो जो है सो है, बच्चे भी हैं और वो नारा लगा रहे हैं और इकट्ठे हो गए हैं। कहां? उत्तर प्रदेश में, जहां आज भी योगी जी विराजमान है। तो हमें ये सोचना होगा कि जब ये भीड़ हमारे घरों तक आ जाएगी बांग्लादेश की तरह, क्या हम तब इकट्ठे होंगे? हमें लड़ना नहीं है, लेकिन एकजुट होकर ये पता जरूर देना है कि आवश्यकता पड़ी तो हम अपने देश और धर्म और अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए जो स्थिति से हमें जूझना पड़ेगा हम जूझेंगे, लड़ेंगे। लेकिन इसके लिए हमें ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है, राय देने की आवश्यकता नहीं है और स्पेशली हमें जयचंद बनने की आवश्यकता नहीं है। कई हिंदू सरनेम लेने के बाद में वक्फ बोर्ड की प्रशंसा कर रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं, वक्फ बोर्ड की खूबियां गिना रहे हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं जो गिना रहे हैं ना, सबसे पहले वक्फ बोर्ड इन्हीं की संपत्ति को हड़प ले और फिर पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड में कितनी खूबियां हैं। अगर वक्फ बोर्ड की इतनी प्रशंसा कर रहे हो तो हे हिंदू सरनेम लेने वाले कुछ लीडर हो, हिंदू धर्म की भी सपोर्ट कर दो, सनातन धर्म का बोर्ड बनवाओ, सनातन बोर्ड की भी प्रशंसा करो। और जितनी ईमानदारी से सनातन बोर्ड के हिंदू वक्फ बोर्ड के लिए बोल रहे हो, उतनी ईमानदारी से सनातन बोर्ड के लिए कहो कि सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए और सनातन परंपराओं का भी, मंदिरों का भी, समाज की संस्कृति का भी सुरक्षा होना चाहिए। अगर हिंदू माँ का दूध पिया है ना, तो सनातन बोर्ड का भी समर्थन करना उस संवैधानिक पद पर बैठकर। और आप सबसे निवेदन है, आओ अब विलंब मत करो, एकजुट हो और अपने धर्म अपने देश को बचाने का प्रयास करें। राधे श्याम।